हेलो दोस्तों, वॉइस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे डेट फ्री शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक बार बोनस, एक बार स्प्लिट, रिजर्व्स कंटिन्यूसली हर साल बढ़ते आ रहे हैं और परफॉर्मेंस भी मुझे अच्छी खासी लगी, बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी खासी है, तो इसी से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। मीडिया सेक्टर का एक शेयर है, तो PVR आइनॉक्स तो देखिए आप देख ही रहे हैं, बट मुझे PVR आइनॉक्स से ज़्यादा अच्छा इस टाइम ये शेयर लग रहा है। तो आइए इससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं, क्यों अच्छा लग रहा है वो भी मैं आपको बातें करेंगे। तो बिफोर दैट हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार, जो आपका खुद का चैनल है, इसे शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी शेयर बाजार से रिलेटेड जो मैं वीडियो बनाता हूँ आपको मिलती रहे, एज वेल एज हमारी इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं उसे लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो आपको, और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं कुछ शेयर से रिलेटेड तो आप इस हम मुझे कमेंट पे लिख सकते हैं, आपको उससे रिलेटेड वीडियो बना के दे दूंगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ शेयर से रिलेटेड कुछ बातें। तो पहले तो हम NSE की साइट पर जाके हम देख लेते हैं सीधे। देखिए 52 वीक लो की बात करें 259 पे शेयर था, हाई की बात करें तो 12 फरवरी को 513 रुपये पे शेयर चल रहा था और पैंडमिक में सभी शेयर गिरे आपको पता ही है, और 22% की डिलीवरी यहाँ पर उठाई हुई दिख रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स का बहुत हेल्दी, मतलब 75% जो रेशो होता है 75:25 का, वही रेशो को मीट कर रही है और वही रेशो पे अड़ी हुई है। 75% के हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, 25% की पब्लिक के पास है, और डिविडेंड देखिए सबसे अच्छी बात है इसकी, डिविडेंड देखिए हर साल डिविडेंड देता आ रहा है, दो दो तीन तीन बार, 2019 में 3 बार डिविडेंड दिया था 2.5-2.5 रुपये का, एज वेल एज 2020 की बात किया तो अभी तक 2 बार डिविडेंड दे चुका है, फरवरी में भी दिया था और फिर मार्च में भी दिया था, एक बार 7.5 रुपये का दिया था, एक बार 12.5 रुपये का दिया था। बट एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ के 75% के शेयर जो शेयर होल्डर्स के पास है उसमें से प्रमोटर्स के पास है तो उसमें से लगभग 0.16% के उन्होंने गिरवी रख रखे हैं, प्लस कर रखे हैं, जो कि नेग्लिजिबल कह सकते हैं कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 25% तक चलता है, 25% से ज़्यादा हो जाता है तो वो एक हार्मफुल हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम उस शेयर में जाके फंस ना जाए, ये हमारे डर लगना चाहिए उस केस में। तो अभी अगर नेग्लिजिबल इसे कह देंगे तो इसे हम हटा भी सकते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर हम इस शेयर की, तो शेयर का देखिए नाम है सन टीवी नेटवर्क। अब मैंने ये चूज़ क्यों किया है वो तो हम बात करेंगे ही। इसका यहाँ पर शेयर एक बार चार्ट पैटर्न देख लीजिए, 1 डे का परफॉर्मेंस देख लीजिए पॉजिटिव, 5 डे का पॉजिटिव, 1 मंथ का पॉजिटिव, 6 मंथ का पॉजिटिव, और ईयर टू डेट की बात कर ले देखिए लगभग 550 रुपये पे ये शेयर चल रहा था, ओके सॉरी 500 रुपये के आसपास ये शेयर चल रहा था और गिर के कितना हुआ 266, और अच्छी खासी तरीके से जैसे दूसरे शेयर बढ़े तो ये भी बढ़ा है। पूरा उस लेवल पर तो नहीं आया लगभग, फिर भी 65% के रिटर्न 6 महीने में इसने आपको बना के दिए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से गिरा था उस हिसाब से ये बढ़ भी रहा है। और मैक्स 5 ईयर्स की अगर चार्ट पैटर्न की बात किया, लाइक ये 1000 से ज़्यादा का ये शेयर हुआ करता था कभी, 1077 जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है, तो वहाँ से तो काफ़ी नीचे है ये शेयर, 59% अभी भी 60% के आसपास ये शेयर अभी भी नीचे है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि ये शेयर में मुझे काफ़ी ग्रोथ नज़र आती है, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट है और 2006 से कंपनी लिस्ट होती हुई हमें नज़र आ रही है तो हमेशा पॉजिटिव ही हमें नज़र आ रही है। कंसोलिडेशन फेज काफ़ी लंबा है, उसी रेंज में चलती आ रही है, उसी रेंज में देखिए अभी भी चल रही है, और बीच में एक बार शायद इसने बोनस भी दिया है तो इस वजह से कंपनी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। तो देखिए 1000 रुपीज़ के गिरती हुई नज़र आ रही है, रीजंस हो सकते हैं क्योंकि बीच में OTT प्लेटफॉर्म आ गए थे, ओके। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो भी एक सन टीवी जो नेटवर्क है यहाँ पर देखिए चैनल जो है इनके साउथ के जितने भी लैंग्वेजेस हैं मोस्टली सारी लैंग्वेजेस में है, ओके। और साउथ वाले देखिए हिंदी चैनल तो देखते नहीं हैं, बट ये तमिल तेलुगु जो होते हैं तो तमिल तेलुगु ही लोग यही सीरियल्स देखना पसंद करते हैं, हिंदी को वो इतना प्रेफर नहीं करते। और आपको देखी भी देखते भी होंगे कि हम उनकी ही डबिंग मूवीज़ यहाँ पर बनती है, तो काफ़ी अच्छा बिजनेस इन्हें यहाँ से होता नज़र आता है, ओके। एज वेल एज हम इसके अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी नज़र आएगी। रिजर्व्स देखिए ये मार्च मार्च का है, तो मार्च से अभी तो सितंबर चल रहा है तो ये बढ़ गया है, बट फिर भी हम देखेंगे देखिए कंटिन्यूसली बढ़ता नज़र आ रहा है, तो लगभग 5500 करोड़ रुपए के
यहाँ पर इनके पास रिजर्व्स है। कंपनी देखिए लॉन्ग टर्म 0% है, जीरो डेट है। शॉर्ट टर्म देखिए जीरो डेट है, मतलब किसी भी तरीके का शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोई डेट है नहीं। एज वेल एज हम बात करें यहाँ पर करंट इन्वेस्टमेंट की, देखिए कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और लगभग 2000 करोड़ रुपये, 1957.94 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए तो कंपनी के पास लगभग 528 करोड़ रुपये के यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है, जो कि एक हेल्दी मतलब 5 स्टार एक बार बैलेंस शीट हम इसे कह सकते हैं। डिविडेंड देखिए कंटिन्यू, डिविडेंड मैंने आपको दिखाई दिया है। बोनस देखिए 2007 में बोनस भी दिया है इस कंपनी ने, और जैसे कि मैं आपको बात कर रहा था 2006 में कंपनी लिस्ट हुई, यहाँ जैसे लिस्ट हुई वैसी बोनस भी दे दिया, वैसी एक बार स्प्लिट भी दे दिया। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी ने एक बार स्प्लिट भी 2007 में ही दिया है, और 2007 में ही कंपनी ने एक बार बोनस भी दिया है। तो देखिए यहाँ पर बोनस भी दिया, स्प्लिट भी दिया कंपनी बाद में का। बट और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कंपनी है मिड कैप, मतलब मार्केट कैपिटल है 17,338 करोड़ रुपये का, मिड कैप कंपनी है। ROCE देखिए 30% का लगभग ROCE है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ROCE 30% होना मतलब कंपनी एक अच्छी हमें नज़र आती है। PE देखिए तो 14 रुपये के PE पे अभी मिल रही है, जहाँ पर दूसरे शेयर काफ़ी हाई पे मिल रहे हैं, ये केवल 14.2 के PE पे आपको यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है। कंपनी देखिए डेट ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ओके सेल्स की बात कर लेते हैं, देखिए इस कंपनी के सेल्स 2019 से गिरते हुए नज़र आए हैं, बट अभी दोबारा यहाँ पेंडापिक में नीचे आ गए थे, बट यहाँ पर देखिए 769 दोबारा यहाँ पर बढ़ते हुए, जून से कंपेयर करें तो बढ़ते हुए सेल्स नज़र आ रहे हैं। एक्सपेंस की बात की जाए तो एक्सपेंस 274 करोड़ रुपीज़ के हैं, और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का देखिए प्रॉफिट भी 2000 पिछले साल के इस अपेक्षा बराबर ही आता हुआ नज़र आ रहा है, 335 करोड़ रुपये के काफ़ी हेल्दी नेट प्रॉफिट है, और 8.50 का यहाँ पर EPS हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सेल्स यहाँ पर हमारी हो गई है। बैलेंस शीट की जैसे ही मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, वहाँ पर मार्च में देखिए 5527 के थे, बट यहाँ पर अगर सितंबर की बात की जाए तो रिजर्व्स बढ़ गए हैं 6120 करोड़ रुपये के यहाँ पर रिजर्व्स हमारे इस कंपनी के पास। तो रिजर्व्स के मामले में ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, और अगर यहाँ पर दूसरी तरफ वहाँ देखा जाए PVR INOX, तो देखिए उनके जो रिजर्व्स थे नेगेटिव थे, नेगेटिव उनकी रिजर्व्स थे नेगेटिव ही सॉरी उनके जो नेगेटिव रिजल्ट्स पेश हुए थे, बट यहाँ पर अगर प्रॉफिट देखा जाए तो प्रॉफिट ही नज़र आ रहा है हमें। इस कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दिया, 335 करोड़ रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट इस कंपनी को हुआ है। तो जहाँ पर PVR INOX को लॉस हुआ है, यहाँ प्रॉफिट नज़र आया है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आप उस कंपनी को छोड़ के यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस कंपनी की तरफ नज़र बना सकते हैं। एज वेल एज HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने भी इसमें 1.14% की हिस्सेदारी यहाँ पर ले रखी है, तो आप इस कंपनी की तरफ नज़रें बना के चल सकते हैं। तो शायद आने वाले टाइम में ये कंपनी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आपको जनरेट कर दे। और इसके अलावा मैं आपको बात करूँ तो देखिए मोतीलाल ओसवाल ने भी इस कंपनी को कितना 530 का टारगेट दिया है, 440 पे चल रहा है 90 रुपीज़ का, तो यहाँ पर टारगेट दिया ही गया है, तो इतना भी अगर बढ़ गया तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होते हुए नज़र आएगा। तो अगर आप इसकी तरफ नज़रें बना के रख सकते हैं, इसे अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, एज वेल एज इन्वेस्ट करने के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार कंफर्म कर लीजिए। मैं तो केवल आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये शेयर काफ़ी अच्छा है, मैंने आपके सामने सारी इसकी डिटेल्स आपको दे दी हैं, बाकी आप अपनी खुद की भी स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज हमारी इस वीडियो को बॉस ऑफ इंडिया हमारे जो ये चैनल है बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार, इसे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि हमारी वीडियो आप लाइक करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, एज वेल एज यूट्यूब भी हमें आगे ये वीडियो को दिखाएगा ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को देख सकेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।